और बच्चों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बीटीआर जो भी बीटीआर जोधपुर है, बीटीआर जोधपुर पॉलिटेक्निक, वहाँ पे पॉलिटेक्निक के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग करने की 20/8/2020। तो जो टॉप सभी कॉलेज, सभी जो भी डिस्ट्रिक्ट है हमारे राजस्थान में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज है, तो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। इसकी लास्ट डेट है 20/8/2020। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, हमें एडमिशन लेने के लिए क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, जो भी है सब कुछ क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म फिल करना है 20/8/2020 के पहले, और कहाँ से अप्लाई करना है, ई मित्र और किसको से अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान है, साइट है stRajasthanGovernment.in। देखो यहाँ पर आपको साइट दिख रही होगी, stRajasthanGovernment.in। देखो ये साइट दिख रही होगी, ये साइट दिख रही होगी आपको, stRajasthanGovernment.in। इस साइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसमें पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है एडमिशन लेने के लिए। देखो अगर आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर बीटीआर जोधपुर में, तो आपको 10th क्लास पास होने चाहिए आप, ठीक है। सेकेंड, अगर तो फ्रेंड्स आपको अगर सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब सेकेंड ईयर में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आपके पास ITI होनी चाहिए, 2 ईयर की डिग्री, या 12वीं क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होनी चाहिए, और इस बार ये बायोलॉजी और नया जोड़ दिया। जिन्होंने बायोलॉजी ले रखी है 12th क्लास में, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उनका भी सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट, ठीक है। आपको समझ में आ गया, फर्स्ट ईयर के लिए आपको 10th पास होनी चाहिए था, सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए 2 ईयर की ITI की डिग्री होनी चाहिए, या साइंस मैथ्स होनी चाहिए 12th में, या फिर साइंस बायो होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, हम बात कर लेते हैं आगे। देखो इसमें ब्रांचेज कौन कौन सी होती है, इसमें ब्रांचेज होती है कंप्यूटर साइंस, इसमें जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, प्रोग्रामिंग ये स्टडी करते हैं हम, इसमें आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इसमें जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जैसे मोटर, ट्रांसफार्मर, पावर सिस्टम, पावर सप्लाई, इन सभी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो मैं स्पेशली गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज टोंक के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी टोंक का रहने वाला हूँ, तो यहीं पर मैं कार्यरत हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज टोंक में। तो यहाँ पर अपने क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में 30 सीट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 30 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 60, टोटल 60 सीट्स है। और ये दो नई ब्रांचेज इस बार नहीं आई है, एक रोबोटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें 30 सीट है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो, और एक नई ब्रांच आई है साइबर फोरेंसिस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसमें भी 30 सीट्स है। ये दो ब्रांचें नहीं आई है इस बार टोंक की पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो रेगुलर क्लास होगी और प्रैक्टिकल लैब होगा, जो भी प्रैक्टिकल होगा, और यहाँ पे जो भी फैकल्टी है वो हाईली क्वालिफाइड है, सब RPSC से क्वालिफाइड है, गवर्नमेंट फैकल्टी है, और यहाँ पे ट्रिपल IC सेल है जो कि हमारे प्लेसमेंट करवाती है। और जो भी आपको अगर ऑनलाइन स्टडी करना है तो इसके लिए भी कॉलेज का यूट्यूब चैनल है GPC टोंक के नाम से, ई लेक्चर है, ई लेक्चर भी लेते हैं, इसके अलावा हमारे पास स्मार्ट बोर्ड पे ई लेक्चर लिए जाते हैं, और यूट्यूब पे आपको ऑनलाइन लेक्चर मिल जाएंगे, और इंडस्ट्रियल विजिट करवाते हैं हम, और सेंट्रल लाइब्रेरी है, ठीक है, लाइब्रेरी भी है यहाँ पर, जहाँ पर आपको सारी बुक्स मिल जाएगी, और जो भी यहाँ पर, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कॉल करना है तो LC पवार सर को कर सकते हो, प्रिंसिपल MK शुक्ला सर, HOD गिरधर गोपाल खींची सर, या दिलकुश मीना, इनमें से किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो। इसके बाद मैं बात करता हूँ पॉलिटेक्निक के बाद स्कोप क्या है। अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में जो इंडियन रेलवे है उसमें जो भी लोको पायलट की वैकेंसी आती है या टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है उसमें पॉलिटेक्निक मांगते हैं, मेट्रो में जो भी GN की वैकेंसी आती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, बहेल में आती है पॉलिटेक्निक की वैकेंसी, रोडवेज में आती है, NTPC में आती है, और इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम ETC में आती है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में है, देखो रिलायंस है, विप्रो है,
सीमेंट इंडस्ट्रीज आदि में आप एम्प्लॉय हो सकते हो। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है पॉलिटेक्निक के बारे में, कैसे एडमिशन ले क्या है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इन दिए गए नंबर पे। तो आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है इसी के बारे में तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। और कॉलेज का एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। कॉलेज अभी जो भी हमारा टोंक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे एक ही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो कि बनास पुलिया के वहाँ पे स्थित है। थैंक यू, धन्यवाद।